क्या फिर जाएगी राहुल गांधी की संसद की सदस्यता? सुल्तानपुर की विशेष कोर्ट में पेश होंगे राहुल गांधी। क्या 16 दिसंबर को राहुल गांधी का भविष्य खत्म हो जाएगा? राहुल गांधी अमर्यादित क्यों हो जाते हैं? सुल्तानपुर की विशेष कोर्ट ने राहुल गांधी को 16 दिसंबर को जो है कोर्ट में पेश होने के लिए कहा है और मानहानि मामले में एक बार फिर से राहुल गांधी फंसते नजर आए। और सबसे बड़ी बात यह है कि क्या चुनाव के पहले एक बार फिर से राहुल गांधी की सदस्यता खत्म कर दी जाए, क्योंकि राहुल गांधी ने जो है यहाँ पर अमित शाह पर अभद्र टिप्पणी की थी और ये साफ तौर पर देखा गया कि राहुल गांधी की राजनीति का स्तर इसलिए भी चौपट है कि वो भूल जाते कि हम क्या कुछ कह रहे हैं। अभी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पनौती बोल दिया, उसके बाद ये कहा गया कि राहुल गांधी पर फिर से केस लगा जाएगा, फिर से मानहानि का मामला जो है ठोका जाएगा, क्योंकि आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पनौती बोल रहे हैं। तो क्या आरोप और प्रत्यारोप के दौर में राहुल गांधी सहित तमाम ऐसे नेता हैं जो ये भूल जाते हैं कि हम गलत बोल रहे हैं? क्या राजनीति और कुर्सी की लालच किसी भी नेता को इतना जो है निकृष्ट कर देती है कि वह सोचने को मजबूर हो जाता है? इन तमाम सवालों पर हम बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर राजनीति में राहुल गांधी का भविष्य क्या रहेगा, और अगर ऐसा होता है कि राहुल गांधी जो है फंस जाते हैं कोर्ट में और उनकी सदस्यता फिर से रद्द कर दी जाती है तो 24 का चुनाव का क्या होगा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता, स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल वाइट के खास प्रोग्राम क्वेश्चन मार्क कुछ तो है। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर आप कैसे देखते हैं राहुल गांधी पर एक बार फिर से जो है कोर्ट में पेश होने के लिए कहा गया और उन पर फिर से आरोप जड़ दिया गया कि आप मानहानि जैसे बड़े शब्द आप लग जाते, आरोप लग जाते, लेकिन आप क्यों इस तरीके की भाषा का प्रयोग करते हैं? देखिए बिल्कुल ऋतिक, और महत्वपूर्ण बात यह है कि मुझे एक याद आ रहा है कि एक समय कहा जाता था एडवर्टाइजमेंट में कि अब तो बड़े बन जाइए, यानी कि देखिए अब तो आपको समझदार बनना पड़ेगा। एक लंबा वक्त आपको राजनीति में हो गया है, बयान क्या देना है? देखिए आवेश में आके आप कुछ भी बोले जा रहे हैं, कुछ भी कहे जा रहे हैं, तो मेरे ख्याल में ये आप ही के ऊपर सबसे ज्यादा घातक होगा, क्योंकि आप क्या किसी और को रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं वो फर्क आपके ऊपर डालेगा। और सही बात है, आपने जिस तरह से कहा कि चाहे मानहानि का मामला हो, चाहे उनके द्वारा बोले गए शब्दों का मामला हो, कहीं ना कहीं उनकी छवि पे विपरीत असर जरूर डालेगा। क्योंकि कुछ दिनों पहले लगा था ऐसा कि राहुल गांधी वाकई देश के लिए एक बेहतर विकल्प बनते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे भारत जोड़ो यात्रा हो या तमाम उनके स्टेटमेंट हो, ऐसा लगा कि वाकई वो परिपक्व हो रहे हैं। लेकिन इस तरह की बयानबाजी की बात तो फिर वही लग रहा है कि वो जिस तरह की राजनीति का के राह पे चल रहे हैं, कहने के उनको नुकसानदायक ही होगा। क्योंकि एक समय ऐसा आता है जब आपको लोग जो है एक लंबे वक्त तक पसंद करना शुरू कर देते हैं, और राहुल गांधी का मेरे ख्याल से वो टाइम आ गया। लेकिन जिस तरह से वो गलत बयानबाजी के जरिए ये मौका अपने हाथ से गंवाने को आतुर है, मेरे ख्याल से उनको समझदार होना चाहिए कि मुझे स्टेज से मंच से क्या भाषण बोलना है, किसके लिए बोलना है। देखिए पीएम मोदी एक सिर्फ पीएम मोदी एक कोई व्यक्ति नहीं, विशेष नहीं, वो एक देश के प्रधानमंत्री हैं, तमाम दुनिया में उनकी पूछ है, इसलिए भी है कि वो भारत के प्रधानमंत्री। लेकिन अगर आप अपने ही पीएम को इस तरह के शब्दों का प्रयोग करेंगे, सोचिए देश में तो छोड़िए बाहर भी इस तरह का मजाक बनाया जाएगा। और जाहिर बात है कि राहुल गांधी को, क्योंकि देखिए एक बड़े नेता है इस तो कोई वो नहीं कह सकता, और कांग्रेस पार्टी का मुख्य चेहरा भी, लेकिन फिर भी इसके बावजूद इस तरह की भाषा का प्रयोग करना और इस तरह के शब्दों का प्रयोग करना मेरे ख्याल से बिल्कुल भी ठीक नहीं है। दर्शकों आपको एक रिपोर्ट दिखवाएंगे कि रिपोर्ट में आपको पता चलेगा कि पूरा मामला क्या है और कैसे राहुल गांधी फंसते हुए नजर आ रहे हैं इस खास रिपोर्ट में। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले में सोमवार को सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने 16 दिसंबर को राहुल गांधी को पेश होने का आदेश दिया है। राहुल के खिलाफ यह मामला 5 साल पहले गुजरात में अमित शाह के खिलाफ की गई कथित अपमानजनक टिप्पणी से जुड़ा हुआ है। केस 4 अगस्त 2018 को दायर हुआ था। इसे तब के सुल्तानपुर में भाजपा के जिला उपाध्यक्ष विजय मिश्र ने दायर किया था। मजिस्ट्रेट योगेश कुमार यादव की कोर्ट ने 18 नवंबर को सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। राहुल का वह बयान जिस पर मानहानि का केस दर्ज हुआ, इस मामले में वादी यानी विजय मिश्र के वकील संतोष पांडे ने खास बातचीत में कहा कि 8 मई 2018 को बेंगलुरु में कर्नाटक चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इसमें उन्होंने कहा था अमित शाह हत्या के आरोपी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने खुद लोया मामले में इसका उल्लेख किया है, इसलिए मुझे नहीं लगता है कि अमित शाह की कोई विश्वसनीयता है। जो पार्टी ईमानदार और सुचिता की बात करती है उसका अध्यक्ष हत्या का आरोपी है।
ये बात जो है लगातार उठती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि जस्टिस ब्रजमोहन हरकिशन लोया की मौत दिसंबर 2014 में नागपुर में हुई थी। उस वक्त वह अपने एक साथी की बेटी की शादी में गए थे। जज लोया गुजरात के बहुचर्चित सोहराबुद्दीन शेख एनकाउंटर मामले की सुनवाई कर रहे थे। इसमें अमित शाह आरोपी थे। हालांकि जस्टिस लोया के बेटे ने अपने पिता की मौत को नेचुरल बताया था। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे सामान्य मौत बताते हुए जो है SIT की जांच से जुड़ी याचिका खारिज कर दी थी। आपको बता दें कि इस मामले में याचिकाकर्ता विजय मिश्र ने कहा कि राहुल के बयान से उनकी भावनाएं आहत हुई हैं, क्योंकि वह खुद भाजपा से जुड़े हुए थे, उनकी भी समाज में मानहानि हुई है, इसलिए उन्होंने कोर्ट में इस मामले को लेकर दायर किया था। अब लगातार ये कहा जा रहा है कि 16 दिसंबर नज़दीक है, क्या राहुल गांधी बच पाएंगे या फिर से एक बार सांसदी से हाथ धोना पड़ेगा। राहुल गांधी पर इस मामले में धारा 499 और 500 में केस दर्ज है। धारा 499 के मुताबिक किसी के बारे में झूठी अफवाहें फैलाना, टिप्पणी करना, उसकी मानहानि करना, वही धारा 500 में मानहानि के लिए दंड का प्रावधान है। इस मामले में 2 साल तक की जेल भी हो सकती है। अब राहुल गांधी की जेल होगी या वेल, ये समय तय करेगा। तो देखा आपने इस रिपोर्ट को देखने के बाद कई सारे बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। अमन सर, मैं आपसे एक सवाल और करना चाहूंगा यहाँ पर कि राहुल गांधी ने एक बयान में ये कहा था कि भाजपा सरकार और तमाम पार्टियां ऐसी हैं जिनको उनकी छवि खराब करने के लिए हर साल करोड़ों रुपए खर्च करती है, कभी उनका पोस्टर, कभी कुछ कह देना, लेकिन मुझे उससे मोटिवेशन मिलता है, मैं चाहता हूं कि वो और भी ज्यादा खर्च करें ताकि मैं और मोटिवेट हूं। और यही बात जो है दिव्य कीर्ति सर हैं, उन्होंने एक बात ये कही थी कि राहुल गांधी को कितना दर्द होता होगा जब वो इस तरीके के खबर को पढ़ते होंगे, अपने पोस्टर देखते होंगे, अपना मजाक सुनते होंगे, लेकिन वो कैसे अपने आप को जो है यहाँ पर जनता के सामने पेश करते हैं, कैसे सामने खड़े होते हैं, ये बड़ा सवाल है। क्या इसमें भाजपा की कोई साजिश हो सकती है कि इस बार फिर से कि राहुल गांधी की छवि खराब करना है चुनाव के पहले? जी देखिए ऋतिक, और सबसे बड़ी बात है आपने जो जिक्र किया दिव्य कीर्ति सर का, वो बाकी बहुत अहम बयान देते हैं, लेकिन उससे बड़ी बात यह है सर कि अगर आप देखें कि राहुल गांधी को बीजेपी ने तो नहीं कहा था कि भाई आप पनौती शब्द बोलिए, आप इस तरह शब्दों का प्रयोग करिए, जाहिर बात है जब आप ये शब्द बोलेंगे तो उनका कहीं ना कहीं मीम बनेगा, मजाक उड़ेगा और कहीं ना कहीं आपके ऊपर एक आरोप लगेगा। बीजेपी के तमाम जो नेता हैं वो चुनाव आयोग भी गए, इसके अलावा बहुत सारे नेताओं ने ये भी कहा कि आप माफी मांगिए। तो मैं वही कहना चाहूँ, देखिए आप व्यक्ति विशेष पर टिप्पणी नहीं कर रहे हैं बल्कि आप एक देश के प्रधानमंत्री पर टिप्पणी कर रहे हैं, तो ये सोच समझ के आपको बोलना चाहिए। मुझे कई लोगों ने बताया कि खुद कांग्रेस के जो बड़े लीडर्स हैं वो भी इन शब्दों से खुश नहीं है कि ऐसे शब्द भरे मंच से बोले जाना मेरे ख्याल से कहीं से भी तर्कसंगत उचित नहीं है। और राहुल गांधी एक बार नहीं बारंबार कभी जेब खतरा उनको बोल देते हैं, कभी जो है किसी और शब्द से उनको इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसे शब्दों का प्रयोग अगर आप राजनीति में कर रहे हैं तो देखिए ये कोई उचित नहीं है, क्योंकि आप विकास की बात करने आए थे, आप तो ये कहने आए थे भाई हम मोहब्बत की दुकान चला रहे हैं, तो आप और उनमें फिर फर्क क्या रहेगा, क्योंकि आप ये कहते हो भाई मुझे मूर्खों का सरदार बोला गया, तो आप उसके ऊपर कुछ बेहतर टिप्पणी करते कि हाँ चलिए मैं मूर्ख सही है, मैं कुछ ऐसा सही, लेकिन मैं इन चीजों पर आपसे बात करना चाहता हूँ, लेकिन आपने उनको सीधा पनौती कहकर कहने का उनका उपहास और मजाक उड़ा दिया। तो ये जो राजनीति का स्तर है जो नीचे लगातार जा रहा है, इसमें सोचने का विषय है कि आखिर जो राहुल गांधी एक बड़ा नेता होने का दम भरते हैं, ये कहते हैं कि मुझे पूरा देश मोहब्बत करता है, जो पूरा देश मोहब्बत करता है, मुझे याद आता है कि जब वो संसद में एक बार थे पीएम मोदी के गले जाकर लग गए जल्दी से वो, तो ऐसे में जब आप ये चीज दिखाना चाहते हो कि भाई मैं नफरत नहीं करता किसी से, मैं कोई भी खराब गलत बात नहीं बोलता, तो फिर ऐसे शब्दों का प्रयोग आप क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर अमन सर ने बारीकी से आपको बताया, लेकिन विकल्पों की उपलब्धता ही स्वतंत्रता है। राहुल गांधी के लिए विकल्प क्या होंगे, उनकी स्वतंत्रता जो है क्या छीन ली जाएगी, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी वही गलती फिर से कर रहे हैं जो गलती पहले कर चुके हैं, यानी कि उनकी सांसदी जा सकती है चुनाव नजदीक, और यहाँ पर टक्कर कहीं ना कहीं स्मृति ईरानी राहुल गांधी में देखी जाती है। सर मेरा सवाल आपसे यही रहेगा कि राहुल गांधी के विकल्प कौन से रहेंगे यहाँ पर चुनाव को लेकर, और क्या अगर राहुल गांधी की सांसदी संस्था फिर से रद्द होती है तो क्या स्मृति ईरानी को फायदा होगा? देखिए बिल्कुल फायदा होना भी चाहिए, देखिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करके आप कहीं ना कहीं खुद को ही सवालों घेरे में खड़ा कर देते हैं, खुद के ऊपर ही कहीं ना कहीं एक तरीके से आरोपों की झड़ी लगवा देते हैं। और राहुल गांधी बारंबार ये देखा जाता रहा है, और सबसे महत्वपूर्ण बात आपने जो जिक्र किया स्मृति ईरानी का, जिन्होंने लास्ट टाइम इनको हराया था, हो सकता है इस बार वहां से चुनाव लड़े ना लड़े वो अलग बात है, लेकिन राहुल गांधी कहने के ऐसे शब्दों का प्रयोग करके अपने आप को तो इस तरह से नीचे लेकर जा ही रहे हैं। और सबसे बड़ी बात की देखिए आने वाले 2024 को लेकर आपको सतर्क होना है, आपको और बेहतर राजनीति करनी है। 5 राज्यों में अगर आप उलझ के रह गए तो मेरे ख्याल से ये राजनीति का एक सेमीफाइनल हम देख रहे हैं कि इसके बाद 2024 का इलेक्शन, तो वहां के लिए राहुल गांधी को अभी से अपनी छवि को बेहतर करना होगा, और ऐसी स्थिति अगर बनी रही तो मेरे ख्याल
ख्याल से मैच में जाने से पहले कहीं वो आउट ना हो जाए, बाहर ना हो जाए, कहीं ये उनके ऊपर ना हो जाए, क्योंकि आपने जो कहा है कि उनकी हो सकता है सांसदी छीन ली जाए दोबारा, क्योंकि इससे पहले भी इस तरह के शब्दों का उपयोग किया और उनके ऊपर एक जो है कह सकते हैं कि इतना तीखा कहूंगा कि उनकी जो सदस्यता छीन ली गई उसके बाद उनका बोलना भी संसद में बंद हो गया। तो ऐसे में जब तक आपकी जवाबदेही तय नहीं होगी आप ऐसे शब्दों का प्रयोग करते रहेंगे। हो सकता है चुनाव आयोग उनसे पूछे कि भाई आप ये क्यों कर रहे हो लगातार बारंबार आप ऐसा करके आखिर साबित क्या करना चाहते हैं। बिल्कुल, भले ही यहाँ पर कांग्रेस की कमान जो है मल्लिकार्जुन खड़गे को सौंपी गई है, भले ही वो आला कमान के पद पर रहे, लेकिन राहुल गांधी की भूमिका कांग्रेस पार्टी के अंदर उतनी ही है जितनी राजीव गांधी और इंदिरा गांधी की हुआ करती थी, क्योंकि गांधी परिवार से जो है राहुल गांधी है। सबसे बड़ा सवाल यही रहेगा कि अगर राहुल गांधी की सदस्यता खत्म हो जाती है, राहुल गांधी फिर से फंस जाते हैं, तो क्या कांग्रेस का भविष्य चौपट हो जाएगा। ये सवाल आपसे भी है दर्शकों, क्योंकि लगातार हम इस पर चर्चा करते आए हैं कि राहुल गांधी अगर आप राजनीति में सक्रिय और एक्टिव हुए हैं, अगर आप भारत जोड़ो यात्रा पैदल कर सकते हैं, जनता को जमीनी स्तर पर जोड़ सकते हैं, तो ये तय मानो आपकी जनता आपसे तभी जुड़ पाएगी जब आप सच में मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। यानी कि मोहब्बत आपकी किसी पार्टी विशेष किसी जनता से नहीं, सबसे होनी चाहिए, चाहे वो भाजपा हो आम आदमी पार्टी हो। तीखे प्रहार चलते हैं, आरोप प्रत्यारोप चलते हैं, लेकिन अगर आप अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करते हैं तो कोर्ट भी आपको माफ नहीं करेगी, हो सकता है जनता भी आपको माफ ना करे। तो अब देखना यही पड़ेगा कि 16 दिसंबर क्या राहुल गांधी की राजनीति का आखिरी दिन भी हो सकता है, या फिर यहां पर राहत मिलने के बाद राहुल गांधी अपनी राजनीति में सुधार करते हुए नजर आएंगे। आज के इस खास प्रोग्राम क्वेश्चन मार्क्स तो बस इतना ही, देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट।